है, सब सब, सब मेकअप थी और अंजलि अंजलि बास्केटबॉल खेलती थी और कपड़े वो मेरे जैसे पहनती थी झल्ली <laughs> थी मेरी सजना सवरना खूबसूरत लगना <laughs> ये सब तो उसको आता ही नहीं था हाय फ्रेंड्स हैप्पी दिवाली इन एडवांस तो फ्रेंड्स ये जो लुक है मैंने दिवाली की पूजा के लिए क्रिएट किया है तो हाँ लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है कौन कौन से प्रोडक्ट यूज कर हैं तो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स मैंने कोशिश की है कि बहुत सिंपल और ईजी वे में करने की तो ये जो बनारसी साड़ी है ये कैरी की है और गले में ये नेकलेस डाले हैं तो नेकलेस दो हैं तो ईयर मैंने छोटे वाले डाले हैं मांगटीका लगाया गज, है गजरा हेयर स्टाइल बनाई है और हेयर स्टाइल मैंने आपके साथ शेयर की है इस तरह से मैंने चूड़ा और ये रिंग वगैरह डाली है तो लुक कैसे क्रिएट किया इसके लिए इस वीडियो में एंड तक आप ज़रूर बने रहिए और है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करते जाना चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल बटन को घंटे वाले बटन को ज़रूर ऑन कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लैकमे का पोल फिक्स टर्नर लगा रही हूँ अच्छे से लगा के आपको आपकी फिंगर टिप्स की हेल्प से टैप टैप कर लेना है इसके बाद मैं यहाँ जये का लिप बाम लगा के लिप्स को हाइड्रेट कर ले रही हूँ गुड वाइप्स का विटामिन सी फेस सीरम लगा रही हूँ और फिंगर टिप्स की हेल्प से हल्के हल्के हाथों से आपको इसको ब्लैंड कर लेना है इसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ बायोटिक का मॉइस्चराइज़र आ, ये जो मॉइस्चराइज़र थोड़ा चिपचिपा है तो ये जो जिनके ड्राई स्किन होती है उनके लिए बेस्ट है तो अच्छे से लगा लेना है आपको फेस एंड नेक पर एन वाई वे का प्राइमर लगा रही हूँ मैं और प्राइमर को लेना है आपको फिंगर पर और हल्के से ब्लेंड करके आपके जहाँ पे भी ओपन पोर्स हैं पहले वहाँ पे लगा लेना और फिर पूरे फेस पे से ब्लेंड कर लेना है इसके बाद मैं यहाँ पे जो स्विस ब्यूटी की तो इस ब्यूटी का फाउंडेशन लगा रही हूँ डॉट डॉट करके आपको आपके ऑल ओवर फेस पे पहले लगा लेना है एंड नेक पे भी लगाना है नेक पे लगाने के बाद आपको ये यहाँ पे मैं फाउंडेशन ब्रश ले रही हूँ और इससे मैं ब्लेंड कर रही हूँ आपको इसको लेकर रगड़ना नहीं है सिर्फ टैप टैप करना है पूरे फेस पे जब तक करना है जब तक कि वो अच्छे से उसके जो स्कार कहीं पर भी आपको इसके निशान ना दिखें तब तक आपको ब्लेंड करना है नेक पे इस तरह से नीचे नीचे की साइड ले आके करना है और पूरे फेस पे मैंने कर लिया इसके बाद भी मैंने क्या किया ब्यूटी ब्लेंडर पर हल्का सा सेटिंग स्प्रे स्प्रे करके मैंने पूरे फेस पे इसको अच्छे से कर लिया है और इसके बाद आप चाहें तो सेकंड लेयर भी लगा सकते हैं बट मैं एक ही लेयर लगाती हूँ फाउंडेशन की इसके बाद मैंने यहाँ इस्टेक्री का मिनी कंसीलर लि, लिया है अच्छे से से आ, अपनी जो आईज है उनके नीचे लगाया है लिप्स के अराउंड नोज़ के अराउंड और फोर पर हल्का सा लगा कर, छोटे वाले ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ टैप टैप करके ही आपको कर लेना है अच्छे से करने के बाद फिर यहाँ पे मैं माई ग्लेम की फेस किट से ये फेस पाउडर लेकर जहाँ भी मैंने कंसीलर लगाया था वहाँ मैं इसे बेकिंग के लिए एक पफ की हेल्प से लगा ले रही हूँ लगाने के बाद यहाँ पे अब मैं इस तरह से लगा लिया है और एक टेप कट करी है ट्रांसपेरेंट और इसे आइस के अराउंड आपको लगा लेना है इस टेक्क्री का ये मैं आई प्राइमर लगा रही हूँ पहले और जो भी मैंने थोड़ी देर बाद जो लग करी थी बेकिंग पाउडर की वो मैंने ब्रश की हेल्प से हटा दिया है अब मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के बाद ये जो है कंसीलर है इसको लगाया आई लीड पर और ब्रश की हेल्प से पहले इसे अच्छे से फिला लिया है आई लीड पर और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की छोटे वाले ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से लग कर लिया है ब्लेंड और इसके बाद फेस पाउडर की हेल्प से इसको मैंने सेट कर लिया है अब थ्रेडिंग की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे मैंने एक आ, आईब्रो पैलेट ली है और इसका जो डार्क ग्रे कलर है पहले मैंने उसे आउटर साइड पे लगाया है और जो डार्क ब्राउन कलर है उसे बिल्कुल अंदर की साइड लगाया है इसी तरह दोनों आइज पर लगा लेना बहुत ज़्यादा ओवर फिल नहीं करना आईब्रो से ज़्यादा जो आपकी नेचुरल है उसी के अकॉर्डिंग करना है अब यहाँ पर मैं ये स्विस बैटिक ब्यूटी की आई सेडो पैलेट से पहले मैंने ऑरेंज सेड लेकर क्रीज एरिया पे लगाया था फिर ये डार्क ग्रे का शेड लिया है और इसे आउटर साइड पे लगाकर और ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है अब मैं थोड़ा सा लाइट सेड लेकर इनर कॉर्नर की साइड लगा रही हूँ और एक पर्पल शेड लेकर क्रीज एरिया पर मैंने लगा लिया इसको और अच्छे से सारे शेड हैं जो इनको एक साथ लेकर ब्लेंड कर लिया एक पफी ब्रश की हेल्प से और यहाँ ब्लू हेवन का मैं शेडो ले रही हूँ क्रीमी आई शेडो और इसका गोल्डन कलर लेकर मिडल आई लिड पर अपने लगा ले रही हूँ फिंगर की ही हेल्प से काफ़ी अच्छा शेड आ गया इससे और मैंने लिया है एन वाई बे का आई और एक आईलाइनर ब्रश की हेल्प से एक विंग आई मैंने क्रिएट किया है अंदर तक ले जाते हुए और लगाने के बाद इसी तरह आपको दूसरी आइज़ पे लगाना है आई कलर के हाफ से मैंने आई को कलर किया है पहले और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ये बेला वास्टा का आगे। एक मस्कारा है और इसके ब्रश की हेल्प से मैंने इसे अच्छे से अपनी आई लेसेज हैं उन पर लगा लिया है मैंने एन वाई वेक का ये लिया है वाइट का जल इसको लोअर लेस लाइन पे लगाया पहले और फिर अपर वाटर लाइन पर भी मैंने लगा लिया है और इसके बाद मैंने वही फिर से और दो सेड मिला के लेकर हल्का सा लोअर लेथ लाइन के नीचे स्मच किया है फिर मैंने ग्रे वाला लिया है उसको सिर्फ हाफ हाफ आई तक मैंने ब्लेंड किया है और इसके बाद मैंने वही माई की ली है पैलेट उसमें से मैंने जो फेस पाउडर था उसे पूरे फेस का जो बेस है अपना उसे अच्छे से सेट से किया है नेक पे भी लगा लिया है अब इसके बाद इसी में से, मैं से मैंने इसमें जो ब्लस हैं दो सेड उनको मैंने मिलाकर अपने चीक्स पे लगाया है हल्का सा चीन एंड नोज पे भी लगा लिया है इसके बाद मैंने एन वाई वे का शिमर वाला आई सेडो लिया है ऐसे मैं एज ए हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ ये हैक ही है अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो आप सिमरी आई सेडो का एज ए हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद मैंने चिन पर भी लगा लिया है हल्का सा फिर ब्लेंड कर लिया फिंगर की हेल्प से और मैंने थोड़ा सा अपने क्यूपिड बॉ पर लगाया है और थोड़ा सा फोर हेड पर लगाया है आईब्रो बॉन पर लगाया है और फिर फिंगर की हेल्प से मैंने इसको हल्का सा ब्लैंड कर लिया है अब मैंने सेटिंग स्प्रे जो मैकअप फिक्सर है उसे लगा सकते हैं आप और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से टैप जरूर कर लेना अब यहाँ पर मैं जो है ये लगा रही हूँ लिप लाइनर आपके पास जो भी है आप वो वाला लिप लाइनर लगा सकते हैं हल्का सा मैं इसे जो है कॉर्नर हैं को मैं लिप लाइनर से ही फिल कर ले रही हूँ और हल्का सा बीच में भी आ, फिल कर ले रही हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक वेला वोस्टा का टन लिया है मैंने और अच्छे से लिप्स पे लगा लिया है ऊपर और नीचे दोनों साइड लगाने के बाद मैंने यहाँ पे फिर से लिया है आई सेड गोल्डन वाला हल्का सा लिप्स के बीचों बीच लगाया है फिर इसके ऊपर मैंने जो है लिप ग्लॉस लगा लिया है लिप ग्लॉस है ये इनसाइड का है रेड बिंदी लगा ली है और चलिए अपनी ज्वेलरी पहन लेते हैं और मैंने यहाँ पर ये ब्लू हेवन का ड्राई सिंदूर लगा लिया है मैंने फुल ट्रेडिशनल स्टाइल में ये करने की कोशिश की है पूजा के टाइम आप इस तरह से अपना रख सकते हैं सर पर भी तो फ्रेंड्स ये थी फुल आज की वीडियो पाली स्पेशल मेकअप लुक फॉर वोमेंस तो वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करना और गाइस कमेंट में बताना मुझे कि ये लुक है जो कैसा लग रहा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में